हेलो फ्रेंड्स, वैष्टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग देख ही रहे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का लेक्चर का सीरीज चल रहा है, उसमें फिलहाल हम लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA मेजर्स के मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशंस 2010 ये हम देख रहे हैं। और इसके कई लेक्चर्स मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। राइट, ये आज का लेक्चर नंबर 10 है। तो इसके पहले के लेक्चर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। और ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस इंटरनेट से आप कैसे इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं। तो आइए हम इस रेगुलेशन को आगे देखते हैं। मैं यहाँ इंडेक्स पे जाती हूँ। इंडेक्स में हम ये चैप्टर 1 और देख चुके थे, चैप्टर 2 भी हम काफी कुछ देख चुके थे। चैप्टर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम चैप्टर 3 के आ जाएंगे जो कि है जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो ये है चैप्टर 3 जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। इसमें है रेगुलेशन नंबर 12 जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स पर्टेनिंग टू कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन प्रोटेक्शन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स एप्रेंट। इसमें हम सब रेगुलेशन 1 देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड एपरेटर्स शैल बी ऑफ सफिशियंट रेटिंग फॉर पावर इंसुलेशन एंड एस्टिमेटेड फॉल्ट करंट एंड ऑफ सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर द ड्यूटी साइकिल व्हिच दे मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड शैल बी कंस्ट्रक्टेड installed, protected, worked and maintained in such a manner as to ensure safety of human beings, animals and property. जितने भी electric supply के apparatus है या उसकी lines है, उसकी power rating बिल्कुल वही होना चाहिए या sufficiently rated होना चाहिए वो उसको bear करने के लिए। उसका insulation अच्छा होना चाहिए और उसमें जिस भी तरह का कोई fault current हो, जो भी हो, वो उसके ऊपर भी withstand कर पाए या उसको identify कर पाए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी हो ताकि जितने भी ड्यूटी साइकिल उसके लगे वो आराम से ले पाए। जिस तरह की भी कंडीशंस उसको एनवायरनमेंट की वहाँ पर मिली हुई है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाए, इस तरह से इंस्टॉल की जाए, उसको इस तरह से प्रोटेक्शन किया जाए, उसको इस तरह से काम किया जाए, उसको इस तरह से मेंटेन रखा जाए, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और प्रॉपर्टी की सेफ्टी इंश्योर हो। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन्स और ऑपरेटर्स अच्छी पावर के होने चाहिए, इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, वो फॉल्ट करंट को एस्टिमेट कर पाए और उसके आसपास कैसे भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हो, हमें वो सबको ध्यान में रखते हुए, ह्यूमन लाइफ एनिमल्स और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए इस तरह के हमें इंस्टॉलेशंस करने चाहिए। ये इसका सब रूल 1। अब आते हैं सब रूल 2 पर। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रेगुलेशंस द रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल इलेक्ट्रिक कोड इफ एनी may be followed to carry out the purposes of these regulations and in the event of any inconsistency the provisions of these regulations shall prevail. Right? उन्होंने कहा है आपको ये सब करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, जिस भी तरह के रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करने पड़े, चाहे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसे हम शॉर्ट में BIS कहते हैं, या फिर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड जिसे हम शॉर्ट में NEC कहते हैं, या फिर NFPA भी कहते हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसका NFPA 70E का जो कोड है वो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और इसी पर है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर ही है। या तो BIS के हिसाब से वो चीज बना लो या फिर NEC के हिसाब से बना लो, कोई इशू नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि इसमें सब कुछ भी रिलेवेंट कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो और अगर फिर भी कुछ इनकंसिस्टेंसी या कुछ ऐसा इवेंट आता है कि जब ये चीज में से किसको फॉलो करे या क्या माने, तो फिर इस रेगुलेशंस में कहीं भी चीजें को ही मान्य माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 या सब रेगुलेशन नंबर 3, द मटेरियल एंड एपरेटस यूज्ड शैल कंफर्म टू द रिलेवेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन वेयर सच स्पेसिफिकेशंस हैव ऑलरेडी बीन लेड डाउन। जो भी हम मटेरियल और एपरेटस यूज कर रहे हैं वो रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन के होना चाहिए, या तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के हिसाब से या फिर इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक टेक्निकल कमीशन के हिसाब से IETC के हिसाब से होने चाहिए। राइट, जहाँ पर कि इन सब के बारे में स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी मेंशन है। अब हम आते हैं सब रेगुलेशन नंबर 4 पर। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी इंस्टॉल्ड अबव द मीन सी लेवल MSL एज डिक्लेयर्ड बाय लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज एंड वेयर सच इक्विपमेंट इज टू बी इंस्टॉल्ड इन द बेसमेंट कंज्यूमर शैल इंश्योर दैट द डिजाइन ऑफ द बेस
प्लेसमेंट शुड बी सच दैट देयर इज नो सीपेज और लीकेज और लॉकिंग ऑफ वाटर इन द बिल्डिंग। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो मीन सी लेवल से ऊपर ही इंस्टॉल्ड होने चाहिए। मीन सी लेवल क्या है? देखिए, जब भी हम लोग सिविल के जो लोग है वो इजिली समझ जाते हैं, सिविल फील्ड के जो लोग हैं, एक्चुअली ये एक मीन सी लेवल एक स्टैंडर्ड होता है, एक सेट होता है कि हमारा जो जगह है जहाँ हम रहते हैं वो शहर या वो गांव वो समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई पर, राइट? मीन सी लेवल मतलब समुद्र का जो लेवल है, तल है, उससे कितनी ऊंचाई पर वो जगह है। और इसको अगर आपको देखना हो नॉर्मल में, तो आप जब भी रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जो जंक्शन का बोर्ड लगा होता है, जैसे मैं इंदौर में रहती हूँ तो इंदौर जंक्शन का बोर्ड लगा होगा, तो उसके नीचे लिखा रहता है समुद्र के तल से ऊंचाई, वही है मीन सी लेवल। समुद्र के तल से ऊंचाई उस जगह की रेलवे स्टेशन के सारे जंक्शन बोर्ड पे मार्क रहती है, लिखी हुई रहती है, बिल्कुल छोटे अक्षर में लिखी रहती है। वो येलो कलर का जो बोर्ड रहता है जिसमें ब्लैक कलर से अपने शहर का या गांव का नाम लिखा रहता है, उसके नीचे आप देखना लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो होता है मीन सी लेवल। तो ये सिविल फील्ड के लोगों को जब भी वो कंटूरिंग या कुछ भी और करते हैं उन्हें बहुत काम आती है ये चीज। तो मीन सी लेवल से ऊपर ही, जो कि लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने डिक्लेयर कर रखा हो कि कहां पर मीन सी लेवल, कितना मीन सी लेवल है, उससे ऊपर इंस्टॉल करना है। तो हम लोग मीन सी लेवल से ऊपर ही रहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन डिजाइन रहता है, कोई इशू नहीं। इन्होंने ये चीज इसलिए मेंशन की है कि अगर हम कहीं बेसमेंट में काम कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट कुछ भी इलेक्ट्रिकल का हम बेसमेंट में इंस्टॉल करने जा रहे हो, तो ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, उपभोक्ता की ही जिम्मेदारी है बेसमेंट का डिजाइन इस तरह से हो कि वहाँ किसी तरह का सीपेज, लीकेज, पानी का रिसाव ना हो, पानी का भराव ना हो, ये जिम्मेदारी फिर उसको इंश्योर करनी है बेसमेंट में। ऐसा ना आते हैं अब हम रेगुलेशन नंबर 13 पे, सर्विस लाइंस एंड एपरेटस ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस, उपभोक्ता की जगह पे सर्विस लाइन और एपरेटस का इंस्टॉलेशन। द सप्लायर शैल इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस, वायर्स, फिटिंग्स एंड एपरेटस बिलोंगिंग टू हिम और अंडर हिज कंट्रोल व्हिच आर ऑन द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस आर इन अ सेफ कंडीशन and in all respects fit for supplying electricity, and the supplier shall take precautions to avoid danger arising on such premises from such supply lines, wires, fittings and apparatus. ये supplier को ensure करना पड़ेगा। Supplier मतलब जो भी उनको ये सब चीजें provide करा, electric की lines, wires, fittings, ये supplier को ensure करना पड़ेगा जो भी उसके control में चीजें हैं और जो भी वो consumer premises पे लगाने वाले उपभोक्ता की जगह पे वो safe condition में हो, उसकी fitting सही जगह करी गई हो और electricity supply करने के लिए वो बिल्कुल fit हो, और supplier को ही सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे सप्लाई लाइन, वायर, फिटिंग और एपरेटस में अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं या उससे किसी भी प्रकार का खतरा है, तो ये सप्लायर की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, वायर्स, फिटिंग्स और एपरेटस सप्लायर की जिम्मेदारी है। फिर आते हैं सब रूल 2 पर, सर्विस लाइंस प्लेस्ड बाय द सप्लायर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ कंज्यूमर व्हिच आर अंडरग्राउंड और व्हिच आर एक्सेसिबल शैल बी सो इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सप्लायर एज टू बी सिक्योर्ड अंडर ऑल ऑर्डिनरी कंडीशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल और अदर इंजरी टू द इंस्टॉलेशन। ये सप्लायर की ही जिम्मेदारी है कि वो जो भी सप्लायर की चीजें कंज्यूमर के वहाँ पे लगा रहा है, अगर उसमें से कुछ अंडरग्राउंड है लेकिन एक्सेसिबल है, अंडरग्राउंड है या फिर एक्सेसिबल है जहाँ पर आराम से कोई जा सकता है, ऐसी हर जगह को उसे इंसुलेट करना पड़ेगा और उसे प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल या किसी भी तरह का इंजरी का डैमेज उससे ना हो उसके इंसुलेशन, ठीक है। फिर आते हैं सब रूल 3, द कंज्यूमर शैल एज फार एज सर्कमस्टेंसेस परमिट टेक प्रिकॉशंस फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द इक्विपमेंट ऑन कंज्यूमर शैल, मतलब अभी तक सप्लायर का जिम्मेदारी चल रहा था, अब कंज्यूमर की बात। कंज्यूमर को जब तक की सर्कमस्टेंसेस, जब तक की परिस्थिति अनुकूल हो, वो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि इक्विपमेंट सेफ कस्टडी में रहे जो कि उसकी प्रीमाइसेस में है, जो कि सप्लायर ने उसको दी है, ठीक है। अब आते हैं सब रेगुलेशन फोर ये है कि कंज्यूमर शैल ऑल्सो इंश्योर दैट द इंस्टॉलेशन अंडर हिज कंट्रोल इज मेंटेन इन सेफ कंडीशन। ये उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है कि जो इंस्टॉलेशन उसके कंट्रोल में है, उसके लगाए गए हैं, उसको मेंटेन रखे अच्छी स्थिति में, सुरक्षित। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 18 पे, डेंजर नोटिसेस। सी, मैंने यहाँ पे वही रेगुलेशंस कवर करे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हिसाब से मेनली सेफ्टी फील्ड के लोगों को जानने जरूरी। पूरा रेगुलेशन कवर करने जाएंगे तो इट विल टेक टू लॉन्ग टाइम और सारे हमारे से रिलेटेड रिलेवेंट है भी नहीं, क्योंकि ये वैसे ही एक रेगुलेशन हम इलेक्ट्रिकल का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ सेफ्टी मेजर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। तो अभी है रेगुलेशन नंबर 18, डेंजर नोटिस। द ओनर ऑफ एवरी इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 250 वोल्ट शैल अफिक्स परमानेंटली इन अ कॉन्स्पिक्यूस लोकेशन a danger notice in Hindi or English and the local language of the district with a sign of skull and bones of a design as per IS 2551 on danger notices, मतलब खतरा, सावधानी वाला।
खतरा है, ऐसा है। हम देखते ना कई जगह एक हड्डी रहती है, दो आसपास वो रहते हैं ऐसे स्कल जिसे कुछ, और एक हड्डी रहती है, एक सर रहता है और दो बोन्स बनी रहती है, खतरा लिखा रहता है, डेंजर। तो वो नोटिस के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो भी है जिसकी भी वोल्टेज 250 वोल्ट से ज्यादा है, ऐसे ओनर को अपनी हर इंस्टॉलेशन पर एक डेंजर नोटिस फिक्स करना होगा परमानेंटली, हिंदी या अंग्रेजी में या फिर लोकल लैंग्वेज जो भी उस जिले की है, डिस्ट्रिक्ट की जो भी लोकल लैंग्वेज, विद अ साइन ऑफ स्कल एंड बोन्स, भाई वो खोपड़ी होगी, दो हड्डियां होगी आसपास में, ऑफ अ डिजाइन एज पर आईएसएस का भी इंडियन स्पेसिफिकेशन, राइट, आईएस कोड है इसका भी 2551, वो डेंजर नोटिस कैसा बनना चाहिए, किस हिसाब को होना चाहिए, इसलिए आप गौर करना, सब एक जैसे दिखते हैं वो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए होते हैं, वो है IS 2551 ऑन। अब हम देखते क्या है इसमें, एवरी मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर एंड अदर इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट टुगेदर विद अपरेटस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द सेम, हर मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक प्लांट और इक्विपमेंट या ये सब साथ में हो जो कि इसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के काम में आ रहे हैं। बी द सपोर्ट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट which can be easily climbed upon without the aid of ladder or special appliances, जहाँ पर भी overhead line जिसमें voltage 650 volt हो, उसके जितने भी supports हो, जहाँ पे आराम से ऊपर चढ़ के बिना कोई लैडर के भी सहारे के और बिना कोई स्पेशल अप्लायंस के भी आराम से चढ़ के आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उन सब जगह पर ल्यूमिनस ट्यूब साइन रिक्वायरिंग सप्लाई एक्सरे एंड सिमिलर हाई फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलेशंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 550 वोल्ट बट नॉट एक्सीडिंग 33 के, जितने भी ल्यूमिनस ट्यूब साइन है जहाँ पे सप्लाई देना पड़ता है, एक्सरे है या इसी तरह का कुछ हाई फ्रीक्वेंसी का इंस्टॉलेशन है जहाँ पे कि 550 वोल्ट से ज्यादा है बट 33 के भी वोल्ट से कम है, ये ऐसी हर जगहों पर आपको डेंजर नोटिस लगाना पड़ेगा IS स्पेसिफिकेशन 2551 के हिसाब। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू अफिक्स सच नोटिसेस ऑन एनी जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर और अदर एपरेटस दे शैल बी अफिक्स्ड एज नियर एज पॉसिबल देयर टू और द वर्ड डेंजर एंड द वोल्टेज ऑफ एपरेटस कंसर्न शैल बी परमानेंटली पेंटेड ऑन। अब ऐसी कुछ स्थिति हो जाए कि वहाँ अफिक्स नहीं कर सकते, वहाँ उसको लगा नहीं सकते नोटिस बोर्ड, ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए, ऐसी कुछ जगह हो जहाँ पे कि आप ऐसी किसी जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर या कुछ दूसरे एपरेटस पे आप लगा नहीं पा रहे हो नोटिस, तो उसके बिल्कुल नजदीक से नजदीक की जगह पे वो एफिक्स करे, वो नोटिस लगाए या फिर वो डेंजर लिखा हो वो वर्ड और वो उस पे कितना वोल्टेज है वो परमानेंटली उस पे पेंट करे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर और अदर एपरेटस इज विद इन एन इंक्लोजर वन नोटिस अफिक्स टू द सेट इंक्लोजर शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रेगुलेशन। अब जहां पर भी ये मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर सब साथ में लगे हुए हो और ऐसा कोई इंक्लोजर हो तो वो उस पूरे इंक्लोजर पे बाहर एक नोटिस लगा दो तो भी सफिशिएंट होगा इस रेगुलेशन के हिसाब से। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी रेल्स ट्यूबुलर पोल्स वुडन सपोर्ट्स रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स विदाउट स्टेप्स आई सेक्शंस एंड चैनल्स शैल बी डीम्ड एज सपोर्ट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली क्लाइम्ड अप, राइट। अब इसमें जो बी वाला था जिसमें ये देखिए ऑल सपोर्ट्स वगैरह सब पे हमको जहाँ पे इजीली क्लाइम कर सकते हो उन सब पे लगाना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी रेल्स ट्यूबुलर पोल्स, रेल से जितनी भी ट्यूबुलर पोल्स है, वुडन सपोर्ट से, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के पोल्स है जिसमें स्टेप्स नहीं है, आई सेक्शन से, चैनल से, ये सबको जो है सपोर्ट्स माना गया है और ये सब इजीली चढ़े नहीं जा सकते, इनके हिसाब से ऐसा कहना एक्सप्लेनेशन। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।